की मांग है, हमारी मांग है कि जो बीपीएससी पीटी पहली बार परीक्षा 8 मई को हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसमें बीपीएससी ऑफिस के कई लोग का नाम आ रहा है, लेकिन उन लोगों पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। तो सबसे पहले उसकी सीबीआई जांच हो, और उसके बाद जो पुनर्परीक्षा का रिजल्ट आया है 67वीं का, उसमें पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की फाइनल आंसर किसे जितना मार्क्स होना चाहिए उतना मार्क्स शो नहीं कर रहा है, किसी का 8-8 नंबर कम बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआर में छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो इसकी सीबीआई जांच हो, और कहा जा रहा है मार्केट में ऐसी बातें चल रही है, इसकी क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, कि ये जो पेन है इसका नाम है पायलट फ्रिक्शन, इस तरह के पेन से दिया जाता है सेटरों के द्वारा, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ स्टाफ है, अधिकारी हैं, जो ये पेन देते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं कि इस पेन से रंग किया ना, बाद में उसको मिटा के सही आंसर को गोला रंग दिया जाएगा। तो क्या सच्चाई है इसकी सीबीआई जांच हो, और 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है बीपीएससी ने, तो उसका फिर से सुधार किया जाए आंसर। जिस तरह से हंगामा आप लोग कर रहे हैं, बीपीएससी की साख गिर रही है, आप सवाल खड़े हो रहे हैं, पहले बीएसएस पर इस तरह के सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब बीपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो साख गिर रही है इस परीक्षा की, जो महत्वता थी वो खत्म हो रही है। देखिए, साख उसकी गिरती है जिसकी कोई साख हो, इसकी तो कोई साख ही नहीं है। 56 से 59 से हम देख रहे हैं, 56 से 59 से देख रहे हैं कि धांधली हो रहा है। 64वीं में 90% सीट बच गया, आज जो बात हो रही है कि 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया ना, 64वीं में 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, और अपने लोगों को पास कराने के लिए तरीका है कि जो योग्य अभ्यर्थी उसको फेल कर दो, 64वीं में 90% से गया, 1000 कॉपी बीपीएससी से मांगा गया है मेंस का, पटना हाईकोर्ट के द्वारा 22 फरवरी 2021 से, ये 22 को आज तक कॉपी नहीं दिया गया। पेन वाला इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके पास ये भी सूत्र होगा कि कितने पैसे में लोग एग्जाम दे लेते हैं? देखिए, मार्केट में ये चर्चा है 55 से 60, 65, 70 तक चलता है, लाख पीटी मेंस फाइनल तक का, 70 लाख तक। अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए, हमारी मांग है जो परीक्षा नियंत्रक 2000